तो अब हम लोग कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ये कन्वर्जन क्या है? सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है, इंट वेरिएबल एक्स। मैंने इसे एक वैल्यू असाइन किया, तो ये कैसा वैल्यू है? जावा किसी भी इंटीजर कांस्टेंट को बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट करता है? हमारे पास फोर इंटीजर टाइप्स है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। बाय डिफॉल्ट जावा किसी भी इंटीजर कांस्टेंट को इंट ट्रीट करता है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो वेरिएबल है ये हमने कैसे डिक्लेयर किया है? हमने एक्स को इंट डिक्लेयर किया हुआ है। ये किस तरह का वेरिएबल है? इंट। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये असाइनमेंट किस डायरेक्शन में होगा। हमने कहा राइट टू लेफ्ट। ओके, तो जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं वो भी इंट, जिस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो भी इंट। क्या किसी तरह का कन्वर्जन रिक्वायर्ड है? तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें किसी भी तरह का कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ओके। वंस अगेन इसी एग्जांपल को दोबारा समझते हैं। मेरे पास एक इंट वेरिएबल एक्स है और मैं इसे एक कैरेक्टर कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जावा इसे बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट करता है। हमने कहा कैर। ठीक है, नाउ ये जो वेरिएबल है जिसमें हम इसे स्टोर करने वाले हैं, इसके साथ कौन सा टाइप एसोसिएटेड है? एंड असाइनमेंट किस तरह से परफॉर्म होता है? आपने कहा राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इंट वेरिएबल में कैर वैल्यू स्टोर कर रहे हो। पर यहाँ तो दोनों टाइप्स डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये चेक होगा कि क्या कैर इंट में कन्वर्टिबल है। आंसर है यस। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो कैरेक्टर वैल्यू ए है ये पहले कन्वर्ट होगा। तो जो कैरेक्टर वैल्यू कन्वर्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? ये इंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस कैरेक्टर के साथ एक न्यूमरिक वैल्यू भी एसोसिएटेड है और वो न्यूमरिक वैल्यू है 65। ठीक है, तो हमने इस कैर को किस में कन्वर्ट कर दिया? इंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये वैल्यू जाके एक्स में स्टोर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये क्या है? कन्वर्जन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्वर्जन हो रहा है। हाँ, यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम किसी वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करते हैं और दोनों का टाइप डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू कैर है और वेरिएबल इंट, दोनों डिफरेंट है, तो पहले चेक करेंगे क्या ये कन्वर्टिबल है। अगर हाँ तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये कन्वर्जन आपने नोटिस किया होगा ऑटोमेटिकली हुआ है। ठीक है, जब मैं ये कोड आपको रन करके दिखाऊंगा आपको देखोगे स्मूथली कोड कंपाइल और रन भी हो जाएगा। अब एक और केस हम लोग देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल है इंट वेरिएबल एक्स और मैंने एक वैल्यू असाइन किया 2.35। अब जावा के अकॉर्डिंग ये कैसा वेरिएबल, ये जो वैल्यू है वो क्या ट्रीट होगा इंटरनली? हमने कहा डबल। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी रियल नंबर कांस्टेंट डबल ट्रीट होता है। अगर आप चाहते हो कि वो फ्लोट ट्रीट हो तो आप इसके बाद एक सफिक्स एफ अप्लाई कर सकते हो। लोअर केस अपर केस दोनों एक्सेप्टेबल है। और जो वेरिएबल है जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं वो कैसा है? वो इंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हम असाइनमेंट तो राइट टू लेफ्ट होता है, राइट? तो यहाँ पर जो वैल्यू असाइन हो रहा है जिस वेरिएबल में हो रहा है दोनों का टाइप डिफरेंट है। हमारा क्वेश्चन वहीं स्टार्ट होगा, क्या ये कन्वर्टिबल है? आंसर है यस। लेकिन कंपाइलेशन ये फेल हो जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो ये कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। इवन दो ये कन्वर्टिबल है लेकिन ये कंपाइलेशन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है। ठीक है, लॉस ऑफ प्रिसीजन का रिस्क। अब देखो जो हमारा इंटीजर है वो केवल होल नंबर ही कंटेन कर सकता है और जो हमारा डबल है जो कि एक रियल नंबर टाइप है उसमें हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे ही आप ये वैल्यू असाइन करते हो समहाउ किसी इंटीजर वेरिएबल में तो वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाएगा और जो होल नंबर पार्ट है टू वो ही बस जाके एक्स में स्टोर होगा। मतलब इसके साथ एक लॉस ऑफ प्रिसीजन का रिस्क है। कंपाइलर बोलता है मैं तो टाइप चेकिंग करता हूँ और आप डबल को इंट में स्टोर कर रहे हो। डबल मतलब रियल नंबर, उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा
और कि वह होल नंबर ही बस वेरिएबल में स्टोर होगा, इसके साथ तो लॉस ऑफ प्रिसीजन है, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू है, कुछ पार्ट जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये एक रिस्की ऑपरेशन है, इसलिए इसका रिस्क प्रोग्रामर को खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, विथ लॉस ऑफ प्रिसीजन असाइन नहीं कर सकते हैं, पहले प्रोग्रामर को अपना कंसेंट देना होगा कि यस ये वो रिस्क के बारे में अवेयर है और वो ये रिस्क लेना चाहता है। तो ये रिस्क लेना चाहता है वो कैसे बता सकता है, तो उसका रीज़न ये है कैसे ले सकता है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल स्टेप लेके दिखाता हूँ कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेक्ट करेंगे। हाँ, तो हमने देखा कि हम अगर इस तरह से लिखते हैं int x और ये जो वैल्यू है 2.35, इसको फोर्स कन्वर्जन करना होगा। कन्वर्जन तो होगा लेकिन हमें फोर्सफुली करना होगा, ऑटोमेटिकली होकर नहीं मिलेगा जैसे कि ऊपर वाले केस में था। तो फोर्स कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके लिए हमें टाइप कास्ट यूज़ करना होगा। वैल्यू के सामने हमें उसे किस टाइप में कन्वर्ट करना है ये हमें स्पेसिफाई करना होगा, और फिर वो जो वैल्यू है जो हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वेरिएबल में उसे स्पेसिफाई करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से 2.35 ये जो वैल्यू है जो कि एक फ्लोट वैल्यू है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंट में। तो ये कैसा वैल्यू है, हमने देखा ये एक डबल वैल्यू है, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप ऐसा बोल सकते हैं। इसको हमने कहा कन्वर्ट करो, इसके लिए हमने टाइप कास्ट यूज़ किया। टाइप कास्ट कैसे लिखते हैं, हम वैल्यू या एक्सप्रेशन के सामने ब्रैकेट में टाइप स्पेसिफाई करते हैं जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वैल्यू है वो जब कन्वर्ट हो जाएगा इंट में तो वो क्या होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट हो गया और ऐसा वैल्यू जाके आपके वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो जब आप एक्स को प्रिंट करोगे तो 2 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि जब असाइनमेंट ऑपरेटर के दोनों साइड पर वैल्यूज़ का जो टाइप वैल्यू और वेरिएबल का टाइप डिफरेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जन पॉसिबल है, क्या देखना होगा क्या वो कन्वर्टेबल है। अगर कन्वर्टेबल है तो दो बातें हो सकती हैं, एक तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा या आपको एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, टाइप कास्ट लिख के। तो जहाँ तक नैरोइंग कन्वर्जन है वहाँ रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पर कन्वर्ट करने की रिस्पांसिबिलिटी जो है प्रोग्रामर की है कि ये रिस्क वो लेगा, उसे वो बताना होगा कि वो अवेयर है इस तरह के रिस्क के बारे में और ये वो रिस्क अपने खुद के कंसेंट से ही ले रहा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ टाइप कास्ट का यूज़ करके कहा व्हाटएवर द रिस्क एसोसिएटेड विद सच ट्रांजेक्शन प्लीज़ परफॉर्म दैट ट्रांजेक्शन। सो द फ्रैक्शनल पार्ट इज ट्रंकेटेड and only the whole number part is stored here। तो यहाँ पर हम ने देखा कि कैसे ये हमने असाइन किया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक डबल वेरिएबल x है और मैंने उसे असाइन किया 2.3। ये 2.3 बाई डिफॉल्ट क्या ट्रीट होगा, डबल। ये वेरिएबल कैसा है, वो भी डबल। क्या यहाँ पर कोई कन्वर्जन होने वाला है, क्या यहाँ कोई कन्वर्जन होने वाला है, क्या यहाँ कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, नहीं, दोनों टाइप सेम है, ओके। तो जब भी आप कोई वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करते हो तो पहले चेक करो कि दोनों साइड पर जो वैल्यूज़ और वेरिएबल जो हैं उनका टाइप डिफरेंट तो नहीं है। डिफरेंट नहीं है तो कन्वर्जन की बात ही नहीं है, लेकिन अगर वो डिफरेंट है तो यहाँ पर कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन दो तरह का होता है, ठीक है, तो एक में ऑटोमेटिकल कन्वर्ट हो गया और दूसरा जो है वो हमें फोर्सफुली टाइप कास्ट लिख के करना पड़ा। तो इसे और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप देखो आपके पास एक फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है, और आपने इसको 20 ये वैल्यू असाइन कर दिया। जो 20 है वो बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट हो रहा है, इंट, और जो आपका वेरिएबल है उसको आपने क्या डिक्लेयर किया है, फ्लोट, ठीक है। तो आप इंट को फ्लोट में स्टोर कर रहे हो, तो क्या ये आपस में कन्वर्टेबल है, यस yes। तो कन्वर्जन होगा, लेकिन कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होगा कि हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा, ये हम कैसे जज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कोई रिस्क एसोसिएटेड है, फ्लोट में असाइन करने से कोई वैल्यू ड्रॉप होगी, ट्रंकेट होगा, किसी तरह का लॉस ऑफ प्रिसीजन का रिस्क है क्या, नहीं। आप इसे ऐसे देख सकते हो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले लिटरल्स चैप्टर पढ़ा था, प्लीज़ उसमें जो एग्जाम्पल है उनको आप स्टडी करो। जो फ्लोट वेरिएबल है वो लॉन्ग से भी ज़्यादा लार्जर वैल्यूज़ को अपने अंदर कंटेन कर सकता है। वहाँ क्लियरली मैंने
इंटीजर कांस्टेंट भी असाइन किए हुए हैं विद सफिक्स f, और हमने देखा कितने लार्ज इंटीजर वैल्यूज को भी मैं सीधे डायरेक्ट स्टोर कर सकता हूँ, वैल्यू को मैं साइंटिफिक नोटेशन में भी स्टोर कर सकता हूँ। तो हमने देखा कि ये जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, 20। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू हम इस वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। हाँ, फ्लोट बहुत ज़्यादा कैपेसिटी का होता है, वो लॉन्ग से भी लार्जर है। इवन दो लॉन्ग 64 बिट लेंथ का होता है, पर फ्लोट 32 बिट का, फिर भी हम किसी लॉन्ग वैल्यू को फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर हमने किसी लार्जर कंटेनर में किसी स्मॉलर कंटेनर का डेटा ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर किस तरह का कन्वर्जन हो रहा है, ये है वाइडनिंग कन्वर्जन। पर अगर मान लो मैंने किसी छोटे कंटेनर में किसी बड़े कंटेनर का डेटा ट्रांसफ़र किया, तो ये है नैरोइंग कन्वर्जन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था, इंट वेरिएबल में हमने 2.35 असाइन किया, तो हमने देखा कि जो वैल्यू है वो कैसा था, डबल, और वेरिएबल कैसा था, इंट। डबल इज़ लार्जर देन इंट, तो आप बड़े टाइप को छोटे टाइप में असाइन कर रहे हो। ये कैसा कन्वर्जन है, ये एग्जांपल है नैरोइंग कन्वर्जन का। यहाँ छोटा टाइप का वैल्यू को आप बड़े टाइप में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ये कैसा कन्वर्जन है, वाइडनिंग कन्वर्जन। ठीक है, वाइडनिंग कन्वर्जन, तो आप छोटे से बड़े में ट्रांसफ़र कर रहे हो, वाइडनिंग कन्वर्जन, बड़े से छोटे में ट्रांसफ़र कर रहे हो, नैरोइंग कन्वर्जन। अब देखो, जहाँ वाइडनिंग कन्वर्जन होता है, टाइप कास्ट इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, यहाँ पर जो टाइप कास्टिंग है वो क्या है, एग्जेम्प्टेड, और यहाँ पर टाइप कास्ट आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर टाइप कास्टिंग एग्जेम्प्टेड है, पर यहाँ आपको टाइप कास्ट फोर्सफुली करना होगा। तो जब हम लोग जहाँ पर लॉस ऑफ प्रिसीजन का रिस्क है, जहाँ पर वैल्यू ड्रॉप होने का रिस्क है, वहाँ पर वैल्यू लॉस होने का रिस्क है, तो ऐसे केसेस में लेकिन हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क होगा, तो वहाँ पर आपको टाइप कास्ट करना होगा, फोर्सफुली करना पड़ेगा। जहाँ पर एक टाइप को दूसरे टाइप में स्टोर तो कर रहे हैं, पर किसी तरह का लॉस ऑफ प्रेसिजन का रिस्क नहीं है, वैल्यू लॉस होने का, ड्रॉप होने का रिस्क नहीं है, तो वहाँ पर अगर वो कन्वर्टेबल है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कास्ट, टाइप कास्ट लिखना एग्जेम्प्टेड है, और आप बिना टाइप कास्ट किए भी इसको डायरेक्ट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल कंसेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे के लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे।